أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلة وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلة اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم حميد مجيد. आज हम सालहीन रियाजीन दिलदबुल चैप्टर नंबर अलेवन का आगे हदीस नंबर एक सौ एक से ऑनवर्ड देखेंगे चैप्टर नंबर अलेवन या चैप्टर जो है जैसा कि हमें पता है कि उसका अनवान है मुजाहदे का बयान और मुजाहदा क्या है नफ्स और शैतान के वसवसों और अदा दीन की कोशिशों के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद करना है। तो इस जिमन में हमने कुछ अहदीस पढ़ी हैं उनमें से कुछ अहदीस जो हैं वो बहुत ही अहम और बहुत ही वसी माने रखने वाली हैं जिसका हमने थोड़ा सा तफसील से भी तस्करा किया अब हम आगे की अदीस जो है वो देखते हैं कि इन शो वो, वो कैसी रहती हैं या उनमें नबी की व्ल् हमें क्या अर्शात फरमाते हैं या हमारे लिए क्या हदायत और रहनमाइयाँ मिलती हैं पिछली जो अदीस हमने पढ़ी थी लास्ट टाइम में उसमें कुछ अहम पॉइंट्स जो एक दो वो तो ये थे कि एक हदीस में था कि अल्लाह ताला कहते हैं कि जब बंदा मेरी कुर्ब मेरी कुर्बत हासिल करने के लिए मेरी तरफ एक बालिश करीब होता है तो मैं उसकी तरफ एक ज़रा या एक बाजू आ, उसके करीब हो जाता हूँ जब वो मेरी तरफ एक हाथ करीब होता है तो मैं उसकी तरफ दो हाथ करीब हो जाता हूँ और जब मेरी तरफ चलता हुआ आता है तो मैं उसकी तरफ़ दौड़ता हुआ आता हूँ यानी मुजाहिदा या नफ्स अपने नफ्स को शैतानी ख्वाहिशात या दीन के ख़िलाफ़ जो भी जो भी वसवसे हैं उनके ख़िलाफ़ जब कोशिश करता है इंसान जद्दोजहद करता है तो फिर अल्लाह ताला भी उसकी जद्दोजहद में आगे बढ़ता है और उसका कह लें कि उसकी उसकी मदद करता है खास कर उसकी मदद हो जाती है फिर इसी तरह एक हदीस थी बहुत ही अहम हदीस जिसको हमने पढ़ा आ, वो इस तरह थी कि अक्सर लोग दुनिया में दो चीजें या दो जो काम है उनको छोड़ने की वजह से या उनके उनमें गफलत की वजह से खसारे में रहते हैं या घाटी में रहते हैं और वो दो चीज़ें क्या है जो सेहत और फ़रागत अल्लाह ताला ने जो सेहत और फ़रागत दी उसको वो गलत इस्तेमाल करते हैं उसको वो सिर्फ़ दुनिया को हासिल करने के लिए दुनिया की खुशनुदी के लिए या दुनिया ही गुजारने के लिए सर्फ कर देते हैं और आखरत या अल्लाह के लिए अल्लाह की खुशनुदी अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए अपनी सेहत और फ़रागत में से कुछ ज्यादा हिस्सा नहीं निकालते तो ऐसे लोग जो हैं वो खसारे में रहते हैं इसी तरह एक और हदीस थी जिसमें जिसमें हजरत आयशा रजील रवायत थी कि नबी करीम वसल्लम रात को इत, कभी कभी इतना लंबा क्याम फरमाते कि उनके प्यार फट जाते तो आप में यानी हजरत आयशा रजील तहती है मैंने उनसे आपसे पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं जबकि आपके तो अगले पिछले सारे गुनाह जो हैं वो माफ़ हो चुके तो नबी सल्लम ने कहा कि क्या मैं इस बात को पसंद ना करूँ कि मैं उसका शुक्रगजार बंदा बनूँ और इस शुक्र गुजारी का हमने पिछली पिछले सबक में कोशिश की थी थोड़ी सी सेंस हासिल करने के लिए थोड़ी सी थोड़ा सा इसका वजाहत इसको मज़ीद देखने के लिए कि सिर्फ मुँह जबानी अल्फाज अदा देना अदा कर देना आम तौर पर हमारी नज़र में या मेरी नज़र में हमारी नज़र में ए, सिर्फ काफी नहीं बल्कि उसके पूरी गहराई से उस उस नेमत को अल्लाह ताला की उस नेमत को अल्लाह ताला की उस आसाइश को उस रहमत को पूरी गहराई से उसका जायजा लेकर अगर हम उसका शुक्र अदा करेंगे तो हमारी हमारा जो नीयत है या हमारी जो सोच है उसमें बहुत बड़ी तब्दीली आएगी क्योंकि सिर्फ कलमात अदा कर देना सिर्फ मुंह से जबान से अदा कर देना ऊपर ऊपर से बग़ैर उसकी गहराई को समझे वो इतना अहम नहीं होता और दूसरा सबर और शुक्र जो है वो तकरीबन साथ-साथ आती हैं अक्सर और सब्र के मामले में हमने देखा था कि ये ये बहुत ही आला दर्जे की एक अमल अमल का एक नतीजा है जब इंसान बहुत ही ज़्यादा सोच विचार और बहुत ज़्यादा जिदोजहद और बहुत ज़्यादा कोशिश के बाद किसी मुकाम पर पहुंचता है तो फिर वो अल्लाह का एहसान जो है वो महसूस करता है अल्लाह ताला को एहसान मंद जान कर उसका शुक्र अदा करता है अगर सिर्फ कलमात ही अदा करने हैं तो कलमात में तो कोई आ, उतनी नहीं हाँ अलबतः हमने ये भी देखा था कि बाकी जो जिक्र अजकार हैं उनको करना जहाँ तक मुमकिन है वो सारा लाजमी है अल्फाज वही रहेंगे जैसे शुक्र के अल्फाज अलहमदिल्ला कह देना या किसी भी तरह से अल्लाह का शुक्र अदा करना उसका जिक्र जिक्र अदा दिकर करके अल्फाज तो वही रहेंगे लेकिन उसके पीछे जो नीयत उसके पीछे जो गहराई है उन अल्फाज की उस नेमत की जो गहराई है उस नेमत से हमने कितनी फ़ायदे कितनी आतशें ली और किसी खुदाना आजमाइश की बजाय हमें अल्लाह ताला ने एक एक या या रहमत या दी है तो उसको हम जब जहन में रखेंगे तो हमारा जो शुक्र करने का जो आजी है उसमें इजाफा हो जाएगा इसी तरह से एक और हदीस थी जिसमें जिसमें जिक्र था कि नबी कीम सलम जो है वो जैसे ही रमजान का आखिरी अशरा शुरू होता है तो आपने ये इबादत जो है उसकी तरफ और ज्यादा मतवज हो जाते रात का अक्सर हिस्सा जो है वो जाग कर गुजारते और, और घर वालों को भी जाग कर इबादत करने की तरगीब देते तो उसके अलावा जो आखिरी हदीस हमने पढ़ी थी आखिरी हदीस में था कि अल्लाह ताला जो है ईमान में ईमान में जो मजबूत मोमुन है जो ताकतवर मोमिन है उसको ज्यादा पसंद करते हैं बन के कमजोर मोमिन के क्योंकि ताकतवर मोमिन जो है वो नेकी के कामों में फर्ज की अदायगी में नवाफल में और दूसरे सवाब हासिल करने के कामों में अल्लाह की रजा के लिए नबी के सन्नत के इतवा इत्द, इत्द, के लिए वो ज्यादा एक्टिव होकर ज़्यादा दिलजमी से भाग दौड़ करता है बनस्बत एक कमज़ोर ममिन के इसलिए अल्लाह ताला जो तला वो ईमान के मुकाबले में या ईमान में ईमान के ईमान के मामले में जो ताकतवर ममिन हैं उनको वो ज़्यादा पसंद करता है जी हाँ तो इसमें और भी क्या था कि आ, वो एक तो ये था और दूसरा पॉइंट इसमें यह था कि अगर तुम्हें हमेशा अल्लाह ताला की मदद तलब करनी चाहिए और अगर तुम्हें कुछ नुकसान पहुंच जाए तो ये मत कहो कि अगर मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता अल्बत्ता ये कहो कि अल्लाह की तकदीर यही थी और जो उसने चाहा किया क्योंकि अगर का लफ्ज़ शैतान के काम के दरवाजे खोल देता है ये भी हमने देखा था और पिछली मजलिस के बाद हमने इसका जो सही टेक्स्ट है इस दुआ का या इस कलमे का वो भी हमने शेयर किया क़दर अफल कद्दरल्लामा शाह अफ अला तला ने जो किया वो तकदीर में थी उसने जो चाहे वो किया और उसी के ऊपर अल्लाह राज़ी होना जो है वो एक अहसन काम है अल्लाह ताला हमें तोीक दे कि हम इसको सही मानों में समझें और इस पर अमल भी कर सकें और कोई आजमाइश जो भी आए उसको हम अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश समझें और अल्लाह ताला की तरफ हमारा रजू जब भी कोई अल्लाह ताला हमें सारी आजमाइशों से बचाए लेकिन जो अल्लाह के महबूब बंदे हैं उन्हीं पर आजमाइशें भी आती हैं तो अल्लाह ताला हमें ऐसी किसी भी नौबत में उसकी तरफ मतवज होने की हिम्मत और तफीक दिया हमें बढ़ते हैं अगली अदिश की तरफ आज देखते हैं हदीस नंबर एक सौ एक वन जीरो वन जो है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहन्नम को शहवात नफसानी के साथ ढांप दिया गया है और जन्नत को गिरां गुजरने वाले नागवार कामों से ढांप दिया गया है इसी तरह मुस्लिम की एक और रिवायत में आ, मतलब ये हुज्जिता 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 की जगह जो है वो खफ, वो खफत आया या खफत जिसके मानी दोन दोनों के मानी एक है मतलब यह कि इंसान के दरम्यान जन्नत और दोजख इंसान के दरमियान और जन्नत और दोजख के दरमियान ये पर्दा है जब वो इसको इख्तियार कर लेता है तो इसमें दाखिल हो जाता है इसके मानी बहुत वादे हैं और इसका बहुत दफा तस्करा भी हो चुका है बल्कि एक और हदीस को जिक्र भी किया गया जो हजरत जबरी और अल्लाह तला के दरमियान एक मकालमा है जिसमे उन जिसमें अल्लाह ताला अमीन को भेजते हैं कि जाओ जन्नत को और जहन्नम को देख कर आओ उसके अलावा भी बहुत दिखर हो चुका और हमने पढ़ा भी है अपनी कुरान की जो, के जो सबक है उसमें कि इस दुनिया को यह दुनिया जो है ये तो धोखे की जगह है दुनिया धोखे की जगह है यानी यहाँ पर जो आसानी की तरफ जाएगा जो आसान रास्ते चूज करेगा वो भटक जाएगा और अल्लाह के रस्ते से निकल जाएगा हट जाएगा ज्यादा इस्तेमाल यही है और फिर उसका नतीजा जो है वो आखिरत में एक सख्त सवाल और अजाब की शक्ल में होगा लेकिन जो इस दुनिया में थोड़ी आजमाइशें जील लेता है थोड़ी मुसीबतें जील लेता है थोड़ी सी कोशिश कर लेता है और थोड़ा मतलब अल्लाह ने जो रास्ते बताए सिर्फ उसी पर चलते रहता है चाहे उसको कितनी भी परेशानियां का सामना करना पड़े तो यकीनन वो एक ऐसे रस्ते पर चल रहा है जिसकी जिसका अंजाम जो है वो आला मुकाम या जन्नत है यही उसका मफहूम बसी आयद का भी कि जहन्नम को शहवात नफसानी के साथ ढांप दिया है यानी इस दुनिया में इंसान अपनी अपना जो जो है या उसकी फितरत है या उसका जो अपना जो खासकर जो इसमें शैतानी वसूसे जो शामिल होते हैं तो वो शहवानी शहवात नफसानी यानी दुनिया के शहवात नफ्स अपने अपने नफ्स की ख्वाहिशों के पैरवी करना जो है उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्टिव होता है उसी की तरफ वो भागता रहता है और जिसके नतीजे में उसको आखरत में नुकसान होगा लेकिन जो इस दुनिया में जन्नत जन्नत को कहा गया जन्नत को ग्रां गुजरने वाले नागवार कामों से डांप दिया गया है यानी मतलब कोशिश करना जो है कोशिश करना और कायम रखना अपने आप को ये एक और मुस्तकिल मिजाजी ये एक बड़ी बातें हैं जो इंसान को खींच खांच कर अपने नफ्स को उसकी तरफ आमादा करना पड़ता है और यकीनन उसमें कुछ आ, कुछ मशक्क़तें भी उसको उठानी पड़ती हैं बहुत दफ़ा ख़ास कर सबर के चैप्टर में इसका जिक्र हुआ था कि किस तरह से कोशिश करता है इंसान एक तो अल्लाह की जो अहकाम हैं उसकी पासदारी करने के लिए उसके ऊपर कायम रहने के लिए और दूसरा गुनाहों के बचने के लिए गुनाहों से दूर हटने के लिए अपने आप को जो वो कायम रखता है तो वो सारे नागवार काम है जो आखरत में जन्नत का दरवाज़ा जो है वो खोलते हैं अगली हदीस की तरफ बढ़े अगर हदीस नंबर एक सौ दो है हजरत अब्दुल अब्दुल्लाजैफा बिन जमान वो बयान करते हैं कि मैंने एक रात नबी करम सल्म के साथ नमाज पढ़ी बस आपने शुर बकरा की तलावत शुरू फरमाई मैंने दिल में कहा कि आप सौ आयतों पर रुकू करेंगे यानी सौ आयतें पढ़कर आप रुकू कर लेंगे लेकिन सौ आयतें पूरी होने पर भी आपने तलावत जारी रखी मैंने दिल में कहा कि आप एक रकत उसके साथ पढ़ेंगे लेकिन आप बदस्तूर पढ़ते रहे मैंने कहा यानी दिल में वो यही सोच रहे हैं कि उसे खत्म करके रुकू फरमाएंगे यानी सूर्य बकरा जो उन्होंने शुरू की वो शुरू कर, खत्म करके उसको रुकू फरमाएंगे लेकिन आपने सूर्य नसा की तलावत शुरू फरमा दी सूर्य बकरा मुकम्मल हो गई एक ही रकत में खड़े हैं सूर्य बकरा मुकम्मल हो गई सूर्य नशाह जो है वो शुरू कर ली और वो मुकम्मल पढ़ ली फिर आपने आले इमरान आले इमरान शुरू कर दी और इसे भी पूरा पढ़ा आप आहस्ता आहिस्ता पढ़ते रहे जब आप किसी आयत से गुज़रते जब आप किसी ऐसी आयत से गुजरते जिसमें अल्लाह की तस्बी का जिक्र होता है तो आप तस्बी बयान करते जब किसी सवाल वाली आयत से गुजरते तो सवाल करते और जब किसी पनाह वाली आयत से गुजरते तो अल्लाह से पनाह तलब करते इस तरह आले इमरान खे ख़त्म होने के बाद आपने रुकू फरमाया बस आप रुकू में सुबहान अलाज़ीम पढ़ते रहे और आपका रुकू भी आपके क्याम के करीब था फिर आप समन हमिदा कहते हुए खड़े हुए और इतना लंबा कोमा किया कोमा फरमाया जितना तकरीबन आपने रुकू फरमाया था फिर आपने सजदा फरमाया और सजदे में पढ़ा सुबहान रबी बस आपका सजदा भी आपके क्याम के बराबर था ये मुस्लिम की सही मुस्लिम की यह हदीस है इस हदीस से में यह अंदाजा होता है कि एक तो फर्ज इबादत के अलावा नफल इबादत जो हैं उनमें बहुत ज्यादा खुशु व खजू उनमें ज्यादा लंबी किरत ज्यादा लंबे सजदे ज्यादा लंबा रुकू और उसमें अल्लाह तला के ज्यादा से ज्यादा तस्वीर और ज्यादा से ज्यादा बड़ाई बयान करना ये एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही मकबूल अमल है जिस जो नबी किम की मतदत बहुत सारी अहादीत से ये साबित है आ, और ये सही अगर सोचा जाए तो फर्ज जो है फर्ज काम जो है वो तो इंसान को करने ही करने हैं फर्ज काम अगर नहीं करेगा तो उससे तो उसकी पूछ गाच होगी उसका अपनी कोशिश अपनी नीयत और अपनी अमल का और अपना इरादा जो है वो सही मानों में उसके जो नफल काम है जो फ़र्ज के अलावा दूसरे नेकी के, के जो काम है उनमें वो कितना रागब है उनमें वो कितना आगे बढ़ता है कितना ज़्यादा दिलजमी से करता है वही उसके यानी बोनस समेटने के जो काम है वही उसकी दरअसल हकीकत उसकी शख्सियत को उभार कर सामने लाती है जो फ़र्ज के अलावा दूसरे काम जो हैं वो तो अक्सर मतलब उसके अपने फ़ायदे के साथ साथ कभी दूसरों के फायदे के भी बात आ, बन जाते हैं जैसे सदका खरात करना आ, तालीम देना दूसरों को या बहुत सारी ऐसे उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इतनी ज्यादा प्रेफर्ड हैं कि वमाउं को फर्ज के बराबर या फर्ज के बराबर ही समझते हैं बहरहाल इस हदीस से हमें पता चलता है कि नफल इबादात जो हैं वो उनका ज्यादा से ज़्यादा अहतमाम करना ज़्यादा दिलजमी और खुशी व खजू से पढ़ना उसको उसमें ज़्यादा लंबा क्याम करना ज़्यादा लंबे सजदे और रुकू करना यह भी नबी की सलम की एक इंतई अहम सुन्नत है जिसके ऊपर जहाँ तक मुमकिन हो अमल करना जो है वो मतलब हमारे लिए अहम है और ये मुजाहिद के चैप्टर अगर हम पढ़ रहे हैं तो यकीन ऐसा करने से इंसान जो है वो वो बहुत सारी ऐसी बातों से बच जाता है जो उसको दुनिया की तरफ मायल करती है दुनिया की जो आसाइशें हैं जो आखिर में अः जहन्नम का बायस बनती हैं उससे वो उनको दूर रखने में मदद करती हैं इसके फवायद में अगर हम देखें तो इससे एक तो यह मालूम हुआ कि नफली नमाज की जम भी जमात हो सकती है क्योंकि अः हजरत अबू हुरेरा थे जिनकी जिन्होंने सॉरी हज़रत अबू अब्दुल्ला खुजीफा वो वो नबी नबीमलीसम के साथ शामिल हो गए नमाज में यानी नफली इबादत जो है उसकी भी जमात हो सकती है नंबर दो नमाज में कुरान करीम की तलावत करते हुए सूरतों की तरतीब के मुताबिक पढ़ना भी जरूरी नहीं यानि अक्सर मा जो है वो ये भी कहते हैं कि जब हम सूरत सूरतें पढ़ते हैं तो सूरतें जो है वह तरतीब से पढ़नी चाहिए यानी कि जो कुरान की जो तरतीब नजुली है सॉरी तरतीब मुसफ़ जो है जो कुरान की जो मुसफ़ की तरतीब है उसके हिसाब से हमें उसी तरतीब से पढ़नी चाहिए यानी दो या तीन या ज्यादा सूरतें जब पढ़ी हैं तो पहली सूरत के बाद उससे अगली आने वाली सूरत लेकिन इस से पता चलता है कि वो भी ज़रूरी नहीं है आप रैंडम भी पढ़ सकते हैं बल्कि तिलावत में तकदीम तखीर जायज़ है यानी पहले और बाद में आने वाली सूरतों से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता और तीसरा नफली नमाज में तवालत मस्तसन है नफली नमाज को लंबा करके पढ़ना है। ज्यादा ज्यादा मतलब तो उसको दिलजमी के साथ उसमें ज़्यादा लंबे सजदे करना और ज्यादा लंबा रकू और क्याम यह ज्यादा मुस्तहसन है ये ज्यादा पसंद है अल्लाह ताला को भी। आयत नंबर एक सौ हदीस नंबर सॉरी हदीस नंबर एक सौ तीन की तरफ बढ़ते हैं हजरत इबन मसूद रजील तवायत है कि मैंने एक रात नबी के साथ नमाज पढ़ी आपने लंबा क्याम फरमाया हती कि मैंने बुरे काम का इरादा किया उनसे पूछा गया कि आपने किस चीज़ का इरादा किया था किस बुरे काम का इरादा किया था तो उन्होंने फरमाया कि मैंने इरादा किया था कि मैं बैठ जाऊं और आपकी इब्तदा छोड़ दू यानी आपकी जो अमामत है उसको छोड़कर मतलब नमाज को नमाज से उनकी उनकी अमामत से अलग हो जाऊं अब इस हदीस से भी हमें पता चलता है ये दूसरी हदीस है कि रात को नबी की नफल इबादात बहुत लंबी लंबी रखते हैं और लंबे लंबे रुकू और सजदे जो हैं वो होते थे उनके और यकीनन ये एक बहुत बड़ा अफजल काम है जो हर एक की बस के बात भी नहीं हम तो मतलब एक मिनट दो मिनट या तीन मिनट में Uh, मतलब एक या दो रकात जो है वो खत्म कर लेते हैं और ज्यादा से ज्यादा लंबा कितना भी पड़े रमजान के क्या जो है उसके लिए जब हम खड़े होते हैं तो एक दो आयात का जो एक स्पेल है या दो सॉरी दो दो रकतों का जो एक यूनिट है वो बारह पंद्रह मिनट का होता है सोलह सत्रह मिनट का ज्यादा ज्यादा हो जाता है लेकिन वो भी गिरा गुजरने लगता है लेकिन नबी अलैहि सल्लम की इतनी लंबी यादात इबादात जिसका हमने पिछली हदीस में भी पढ़ा था कि उनके पाँव भी फट जाते थे कभी तो इस हदीस में भी हजरत इबन इब्न मसूद रजी कहते हैं कि उन्होंने इतनी लंबी नमाज पढ़ी कि मैंने इरादा किया कि मैं उस जमात से अलग हो जाऊं और जमात से छोड़कर नीचे बैठ जाऊं तो सुबहान अल्लाह अल्लाह ताली के रसूल सल्लम को इतना बड़ा दर्जा दिया गया और उस दर्जे को और इस नमत को उन्होंने किस तरह से अपनी जिंदगी में शुक्र अदा करके और किस तरह से अल्लाह का जिक्र अदा करके उसको पूरे तरीके से निभाया उसकी मिसाल तो पूरी कायनत में कभी कहीं भी नहीं मिल सकती इसके फवाद में यहाँ पर लिखा गया इसे मालूम हुआ किमाम की मुखालफत बुरा काम है क्योंकि नमाज में उसकी इक्तदा का हुक्म है यानी नमाज में अमाम से पीछे ही आपको रुकू और सजदे वगैरह जो है वो जाना है उससे पहले आ, मतलब अमाम से आगे बढ़ जाना तो रुकू और सजदे करने में या मतलब जो भी बाकी अरकान है नमाज के उनको अदा करने में ये ये जायज़ नहीं ये अच्छा काम नहीं है ये मुखालफत का बुरा काम है दूसरा इबहाम की वजाहत के लिए सवाल करना जायज है इबहम की वजह से यानी किसी से आ, अगर किसी के बारे में कोई शक हो या किसी के बारे में कोई मजीद तफसील हो किसी सवाल किसी बारे में तो उस उसके लिए सवाल करना जायज है जैसा कि इन्होंने कहा इनके अल्फ़ाज़ दी कि मैंने बुरा काम करने का इरादा किया अमृत सू के बुरा काम करने का इरादा किया तो पूछा गया उनसे कि ये बुरा काम कौन सा बुरा काम का इरादा किया तो उन्होंने कहा जी कि मैंने सोचा मैंने सोचा कि मैंने इरादा किया कि मैं बैठ जाऊं और आपकी इक्तदा छोड़ दूं हदीस नंबर 104 हजरत अनस है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीन चीजें मैय के साथ जाती हैं ये भी अहम एक हदीस है जिसको हमें मतलब कोशिश करनी चाहिए कि हमें इसकी समझ आ जाए जा, अल्लाह तला हमें फहम अता फरमाए इनशा से रवायत है कि रसोल वसम ने फरमाया तीन चीज़ें मैत के पीछे जाती हैं उसके घर वाले उसका माल यानि ग़ुलाम और नो नौकर चाकर वगैरह और उसका अमल बस दो चीज़ें वापस आ जाती हैं और एक उसके साथ बाकी रह जाती है उसके घर वाले और उसका माल वापस आ जाते हैं और उसका अमल जो है वो उसके साथ बाकी रह जाता है यानी इस दुनिया में जो भी अमाल करता है इंसान वही सिर्फ उसका असाथा है जिनको वो साथ अपने लेकर जाता है इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए कुछ दूसरी अहादि से हमें पता चलता है कि कुछ चीजें जो इंसान अपने साथ उसकी मौत के बाद जिस जिन जिनका फायदा इंसान उठा सकता है उनमें एक तो ये है कि उसके अपने नेक अमाल जो है वो है उसके अलावा नेक औलाद और सदक जारिया ये तीन चीजें ऐसी हैं जिसका इंसान को उसके मरने के बाद भी फायदा मिलता रहता है उसके अलावा बाकी जो दुनिया का माल है वो दुनिया में कमाया और दुनिया में तरका करके छोड़ गया वो दुनिया में ही रह गया तो इसीलिए यहाँ पर ये ये वजाहत मिलती है कि उसका अमल ही सही मानू में उसके साथ बाकी रह जाने वाला है अगर उसका अमल अच्छा है दुरुस्त है तो उसकी अगली मंजिलें जो है वो आसान हो जाएंगी और अगर उसका अमल खुदा ना खास्ता उसमें कोई कमी बेशी है तो उसी हिसाब से उसके मामले जो है आगे चलेंगे बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो दुनिया की चीज़ें हैं दुनिया में इंसान कमाता है दुनिया में ही छोड़कर चला जाता है जैसे एक होटल में स्टे किया वहाँ पर रहने की उठने बैठने की सारी आसाइश चीज़ें मौजूद हैं जैसे ही वहाँ से चेकआउट हुआ तो वह सारी चीज़ें वहीं पर छोड़ दी वहीं पर रह गई इसके फवाद में यहाँ पर लिखा गया कि इसमें इस अमर की तरगीब है कि इंसान को ज्यादा से ज्यादा ऐसे काम करने चाहिए जो उसके साथ रहें और कबर में भी इंसान का साथ ना छोड़ें जहाँ सब इसका साथ छोड़ जाते हैं और कबर की तन्हाइयों में वह अकेला रह जाता है तो वहीं आमाल साले जो कबर में इंसान के साथ रहते हैं और उसकी मुश्किल और तनयों में उसका सहारा और निजात का जरिया बनते रहते हैं अगली हदीस एक सौ पांच देखते हैं इसमें हजरत इबन मसूद से रिवायत है ये भी हदीस रज़ी उन्होंने कहा कि रसूल सल्लम ने फरमाया जन्नत तुम्हारे जूते के तस्मे से भी ज्यादा करीब है और इसी तरह जहन्नम भी इतनी ही करीब है जन्नत और जहन्नम तुम्हारे जूते के तस्मे के बहुत बीच तस्मे से भी करीब है ज़्यादा करीब है जूते का तस्मा जैसा कि जूते के साथ ही जुड़ा रहता है और जूते का और जूते का जो तलवा है या जूते के जो आ, मतलब फैब्रिक है उसके साथ तस्मा बिल्कुल मुतासिल होता है उनके दरम्यान कोई फर्क नहीं कोई फासला नहीं होता इसी तरह जन्नत और जहन्नम भी तुम्हारे बिल्कुल करीब है यानी उनके दरम्यान सिर्फ मौत का फासला ही हायल है और मौत जो है उसका कोई वक्त मुकर नहीं किसी भी वक्त किसी भी जगह किसी भी हालत में ये मतलब इंसान को पकड़ सकती है और सिर्फ मौत के वक्त और जगह का तयन जो है वो सिर्फ अल्लाह तला के पास ही है और जैसे ही ये पर्दा जो है ये अबूर हुआ तो उसको अगला उसको अगले जो मंतले हैं वो उसके सामने दिख नज़र आनी शुरू हो गई इसके फ़वाद देखते हैं तो हमें मजीद वजाहत मिलेगी कि जन्नत या जोजख चूंकि इंसान के अपने अमलों का नतीजा है इसलिए ये दोनों चीजें इंसान के करीब और उसकी दस्तर दस्तरस में है नेकी करेगा तो जन्नत में और बदी करेगा तो जहन्नम में जाएगा इनके दरमियान सिर्फ मौत का पर्दा हायल है उससे हटते ही इंसान जन्नत में या दोजख में जाने का मस्तह करार दे दिया जाएगा यानी सिर्फ इस जो हमारी जो रूफ का रिश्ता इस जिसम के साथ कायम है सिर्फ वही एक रास्ता है वही एक पर्दा है हमारे जन्नत और दो में दाखिल होने का अगर जब जिस वक्त भी वो पर्दा हट गया उसी वक़्त वो जन्नत या जहन्नम का जो मस्तक होना या उसका जो मंजिल है वो उसके सामने आ जाती है लिहाजा उसके आने से पहले पहले इंसान को चाहिए कि वो अपने ज्यादा से ज्यादा जो अच्छे अमाल हैं वो उनको करने की कोशिश करें। अगली हदीस में है मेंजरत अबू फरास अबू फरास अबी बिन कब असली असली है उनसे रवायत है कि रसूल जो रसूल के खादम और अहले में से थे ये नबी सल्लम के खादम थे और अहले जो मतलब नबी किम सल्लम जो तालीम देते थे जिस चबूतरे पर जो मस्जिद नबू के अहाते में था या उसके साथ ही मुतसिल था तो उसमें ये भी आप सल्लम से तालीम जो है वो हासिल करते थे ये बयान करते हैं कि मैं रसोल सल के पास रात गुजारता था बस आपको वजू के लिए पानी और ज़रूरत की कोई और चीज़ ला देता एक दिन आपने खुश होकर फरमाया कि मुझसे कुछ मांग ले मैंने फरमाया मैं आपसे इस बात का सवाल करता हूं कि जन्नत में आपकी रफाकत नसीब हो जाए आपने फरमाया इसके अलावा कुछ और मैंने कहा बस यही बस वही तो आपने फरमाया पस तुम की कसरत के साथ अपने लिए मेरी मदद करो पस तुम की कसरत के साथ अपने लिए मेरी मदद करो यानी कसरत से नवाफल पढ़ो और उस तरह से अपनी इस ख्वाहिश की तकमील में मेरी मदद करो क्योंकि मेरी दुआ के साथ तुम्हारा अमल मिल जाए मिल जाएगा तो उससे उसे बड़ी तकवियत पहुंचेगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफाकत का उन्होंने उन्होंने ख्वाहिश की जन्नत में तो आपने उनको मशवरा दिया या उनको हदायत दी कि आपने सजदे जो हैं अपने सजदे की वज अपने सजदों की कसरत के साथ तुम मेरी मदद करो यानी मैं मतलब उनकी दुआ जो है वो भी जकीन शामिल हाल होगी लेकिन तुम्हारा अपना अमल जो है वो भी शामिल हाल तो होना जरूरी नहीं यानी यहाँ पर सिर्फ मुंह जबानी ख्वाहिशें कर लेना वो काफी नहीं उसके साथ नेक अमल करना और उसके लिए जस्व्यू करना कोशिश करना ये भी अहम है तो नबी किम सल्लम ने कहा कि सज्दों की कसरत यानी नफल इबादत के का अहतमाम करके फ़रज़ के बाद जो नफल अदा होते हैं फ़रज़ जैसा कि जिक्र हुआ था कि अगर फ़रज़ अदा नहीं किए तो नफाफल अदा करने का कुछ फ़ायदा नहीं तो फ़रज़ के बाद जो नवाफल हैं उनमें उन 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 कसरत पैदा करो इस तरह से मेरी मदद करो ताकि तुम्हारी ख्वाहिश की तकमील हो जाए इसके फ़ायद में मस्जिद नबी के आखिर में एक चबूतरा था उसे अरबी में सफ़ा कहते हैं ये इस्लाम की इब्तदाई और अवलिन दर्श का थी जिसके उसाद मलम इंसानियतरत महम्मद रसोल वसम थे वो फकर व मसाकिन जो आपसे इल्म, में, इल्म में दीन हासिल करते थे इसी चबूतरे पर अपना वक्त गुजारते थे ये सफ़ा का क्या सफ़ा क्या है उसके बारे में इस हदीस ने इस अमल और अतबा सन्नत की अहमियत वाजिया कर दी है कि इसके बगैर तो उन लोगों को भी जन्नत में वसल्लम की रफाकत नसीब नहीं होगी जो शबो रोज आपके साथ रहते थे चार्ज, मतलब वो लोग इसके मुस्तक करार पा जाए जिनकी जिंदगी अमले साले और इतबा सुन्नत से यसर खाली है यानी वो लोग जो नबी की करीबी साथी थे उनकी रफाकत उनको नसीब थी इस दुनिया में वो भी बग़ैर अमल के अगर जन्नत का जन्नत की ख्वाहिश करें तो वो भी उनके लिए मुमकिन नहीं उनके लिए उनको भी कोशिश करनी पड़ती थी इसकी फाज मिसाल जो है वो अः बहुत सारे मुनाफिक जो हैं वो भी थे जो जाहरी तौर पर कलमा पढ़ते थे लेकिन वो दिल से ईमान नहीं लाते थे तो इसके अलावा मुनाफे की एक दूसरी किस्म थी कमजोर मुनाफे कमजोर कैदा रखने वाले कमजोर ईमान रखने वाले वो भी अब ईमान के मामले में बहुत पीछे थे और पिछली अदीस में हमने ये भी पढ़ा कि ईमान में जो ताकतवर है अल्लाह ताला उसको ज्यादा महबूब रखता है बनस्बत उसके जो ईमान में कमजोरी दिखाता है तो इसी तरह से मतलब नबी किम सल्लम की साथ रहने वाले जो हैं अगर उन्होंने भी ख्वाहिश की कि हम जन्नत में आपका साथ चाहते हैं तो नबी की वसलम ने उनको भी और ज्यादा मेहनत और और ज्यादा नवाफल अदा करने का कहा और ज्यादा सजदे जो हैं सजदों की कसरत का कहा तो इस तरह से यह ये, ये, ये हमें इस हदीस से अंदाजा होता है कि सिर्फ मुज़बानी नहीं जितना भी हम अमल करेंगे हम जितना ज्यादा अफजल मुकाम चाहते हैं हमें उतनी ज़्यादा कोशिश और मेहनत करनी है इस दुनिया में ताकि उतना ही अहम मुकाम जो है अल्लाह ताला हमें जन्नत में नसीब फरमाए और उस मेहनत के साथ साथ कोशिश जो नीयत है वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि नीयत जब अच्छी और खालिश होगी जितनी ज्यादा ठोस होगी उतना ज्यादा वो अजर जो है ना वो भारी हो जाएगा अगली हदीस में है हजरत अबू अब्दुल्ला और कहा जाता है कि अबू अब्दुलरमान सोबान अलैहि वसलम के आज़ाद करदा गुलाम से रवायत करते हैं यानी हजरत अबू अब्दुल्ला और अबू अब्दुलरहमान वो सोबान जो रसुल्लाम का आज़ाद करता ग़ुलाम था उनसे रवायत करते हैं कि मैंने रसुल्ला फरमाया फरमाते हुए सुना फरमाते थे सोबान तुम कसरत सजूद को लाज़म पकड़ लो इसलिए कि तुम जो भी सजदा करोगे अल्लाह त उसके जरिए तुम्हारा एक दर्जा बुलंद करेगा और तुम्हारा एक गुनाह उसकी वजह से माफ कर देगा नबी सल्लम क्या फरमाते थे कि तुम कसरत को लाज़म पकड़ो उसके लिए कि इसलिए कि जो तुम जो भी सजदा करोगे अल्लाह से तुम्हारा एक दर्जा बुलंद करेगा और तुम्हारा एक गुना उसकी वजह से माफ कर देगा इससे हमें यह अंदाजा होता है कि सजदों की कसरत से मुराद यहाँ नमाजों का अहतमाम है फरज़ के अलावा नवाफल की अदायगी के ये भी रफा दर्जात का जरिया और कफ़ार सियात हैं यानी इस हदीस से हमें यह पता चलता है कि सजदे जितने ज्यादा सजदे होंगे उतना इंसान के दर्जे बुलंद होते जाएंगे और उसके उसने ही गुनाह जो हैं वो माफ होते जाएंगे तो कसरत से जूद के लिए यानी नफल इबादत और नफल नमाजें जो हैं उनके उनका ज्यादा से ज्यादा एहतमाम करने के लिए करने की ये हदीस भी दलालत करती है और इसमें हमें यह भी पता चलता है कि ना सिर्फ उससे दर्जात बुलंद होते हैं बल्कि इससे गुनाह जो है वो उस वो भी धुल जाते हैं गुनाह से भी माफ़ी जो है वो मिलती है लेकिन ये गुनाह है सगीरा है गुनाह कबीरा नहीं है जो हमने कुरान की कुछ हयात की रोशनी में हमने इसको तस्करा किया था कि गुनाह कबीरा जो है वो तो बग़ैर तोबा के और बग़ैर उसके उसके सजाए या तोबा के जितने तकाज़े हैं वो पूरा किए बग़ैर उनका धुलना मुमकिन नहीं है और यह भी मुमकिन है कि गुनाह कबीरा का बहुत सख्त पकड़ हो क्या के दिन लेकिन दूसरे जो छोटे मोटे गुनाह हैं ये हमने कुरान की आयात में भी पढ़ा है कि अगर तुम मतलब अल्लाह की तरह से रजू करो या किस तरह से था तो हम छोटे छोटे गुनाह जो है वो माफ कर देंगे तो गुनाह सगीरा जो है वो सजूद की ज्यादा से ज्यादा अहतमाम या ज्यादा से ज्यादा नवाफल इबादत जो है उनके करने से ना सिर्फ में इजाफा होता है दर्जात में इजाफा होता है बुलंदी आती है बल्कि गुनाह जो है वो भी अल्लाह तला माफ कर देते हैं इसी तरह हदीस नंबर एक सौ आठ में है अबू सफान अब्दुल्ला बिन अब्बुल्ला बिन बसर अलमी अस्ल, अल रजीलात है कि रसूल ने फरमाया सबसे बेहतर वो शख्स है जिसकी उम्र लंबी हो और उसका अमल अच्छा हो इसी तिरिमी ने रिवायत किया है ये तिरिमी की हदीस है कि जिसकी उम्र अच्छी हो और उसका अमर, उसकी जिसकी उम्र लंबी हो और उसका अमल अच्छा हो बेहतर वो शख्स है यानी जितनी उम्र लंबी होगी उतने ही उसके अमाल ज्यादा होंगे और अगर उसने अमाल अच्छे किए हुए हैं तो वो अमाल की मकदार भी ज्यादा लंबी हो जाएगी ज्यादा बड़ी हो जाएगी तो यकीन वो शख्स जो है वो बेहतर है ना कि वो शख्स जो उसकी उम्र लंबी हो लेकिन उसके अमाल जो है वो बदकिरदारी पर मुबनी हो तो यकीन ये एक बहुत ही सादे से अल्फाज हैं कि जितनी भी उम्र है उसमें जितने ज्यादा अमल होंगे वही हमारे लिए अच्छे हैं और जितने ज्यादा उसमें बुराइयाँ होंगी वो हमारे लिए नुकसान का ही उम्र 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 दराज, दराज यानि लंबी उम्र एक नेमत है, बशर्ते के ईमान और साले की के साथ हो बस दीगर जितनी ज्यादा उम्र होगी उतना ही गुनाहों में इजाफा होगा उम्र की ऐसी तवालत इंसान के लिए सख्त पना सख्त तबाहकुन है इसी तरह दूसरा है कि इस नेमत का एहसास ना करने वाले खसारे में रहेंगे यानी अल्लाह ताला ने अगर लंबी उम्र दी है मतलब आजकल तो एक्सपेक्टेड जो एवरेज लाइफ है वो तकरीबन तो पचास साल रह गई है अब तो बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा साठ साल है अगर किसी को अल्लाह ताला साठ से ऊपर को सत्तर अस्सी नब्बे सौ साल या जितनी भी उम्र अता करता है तो वो उम्र उसके लिए नेमत है नेमत उस सूरत में है कि उस उम्र के दरमियान या उस वक्त के दरमियान वो जो नेक आमाल है वो उनको जमा करता रहे ना के बुराई के कामों में पड़ा रहे तो जितने ज्यादा उसके अमाल अच्छे होंगे उतना ही उसके लिए आसानी वाला मामला होगा आप आगे के मामला आगे के जो जितने, जितने मंदले हैं मौत के बाद की उनमें जी तो आज जो हम यही देखते हैं का दो हदीसें रह गई हैं इस चैप्टर में उसके बाद फिर दो या तीन शायद तीन हदीसें बाकी हैं वो अगले मजलिस में हम इनशाला उनको कवर करेंगे और वो तीन हदीसें भी कुछ अहम उनमें पॉइंट हैं जिनको हम डिस्कस भी करेंगे इनशा इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे हमारा जितनी ये कोशिश है कबूल मंजूर फरमाए और हमें सही फहम दे और हमारे सुनने में मेरे कहने में या हमारी इस कोशिश में अगर कोई कमी बेशी हो गई तो अल्लाह ताला वो माफ़ फरमाए और हमें उसके बदले में सही रहनुमाई जो है वो अल्लाह तला फरमाए मुबीन अगर किसी को चीज़ पॉइंट ऐड करना है इसमें तो आप कर सकते हैं इंशाल्लाह जी कोई पॉइंट अगर नहीं है तो बर्खास्त करते हैं आज के मजलिस को या हदीस जो है बहुत ही सादे से अल्फाज थे उसमें बहुत ज़्यादा कम्प्लिकेशन नहीं थी लेकिन मैसेज जो है वो बहुत ही गहराई में थे आ, इतनी ज़्यादा गहराई में तो नहीं जा सके आज हम क्योंकि हमें आम फहम अल्फाज में सब कुछ तकरीबन पता ही है बस अल्लाह ताला से दुआ है कि हम जो देख रहे हैं या सुन रहे हैं समझ रहे हैं अल्लाह ताला सही मानूम में हमारे दिलों में भी ये उतारे और उसकी अहमियत और अफादियत के मुताबिक हमें उस पर अमल करने के भी अल्लाह ताला हिम्मत और तोफ़ी जो है वो अता फरमाए अल्लाह ताला हमारे लिए बासानियाँ पैदा फरमाए और जितनी परेशानियाँ और मुश्किलें हैं आज कल के दौर में ख़ास कर इस वबा के दौर में अल्लाह ताला हमें उससे महफूज रखे और हमारे लिए एक साजगार माहौल जो है अल्लाह ताला मुयसर फ़रमाए हमें और अल्लाह ताली हमारे वालदेन को भी अपने ख़ास फजलोक करम में रखे जो हयात हैं उनको बहुत ही सेहतमंद और पूरा आसाइश ज़िंदगी अल्लाह ताला दे और जो इस दुनिया से गुजर चुके अल्लाह ताला उनके लिए भी अपनी ख़ास रहमत के दरवाज़े खोले और उनका जन्तल फिर दो उसमें अली मक़ाम अता फ़रमाए और इस दुनिया में हमारी जितनी परेशानियां अल्लाह तला सबको दूर फ़रमाए और अल्लाह ताला हमें हिम्मत और तौफीक दे कि हम आखिरत के लिए भी इस दुनिया में कुछ कमा सकें और आखिरत में हमें कामयाब बंदों में अल्लाह ताला तुमार फरमाए आमीन या रबालमीन रबाना سبحان ربك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة يما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته